भाई विंडोज 11 आ चुका है ये न्यूज़ आपके पास पहुंच चुकी होगी नहीं पहुंची तो मैं आपको बताऊं कि विंडोज 11 मार्केट में आ चुका है आपके मन में इसे देखने की एक्साइटमेंट जरूर रहेगी कि ये कैसा इंटरफेस रहेगा तो चलिए मैं विंडोज 11 को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा लेकिन पुराने विंडोज 10 को बिना फॉर्मेट किए हुए जी हाँ विंडोज़ 10 को हमें फॉर्मेट नहीं करना है हमें बस करना क्या है हमें एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसके जरिए हम इसे इंस्टॉल करेंगे प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हमारे विंडोज टेन को बिना डैमेज किए विंडोज इलेवन इंस्टॉल करके हम उसका इंटरफेस कैसे देख सकते हैं तो चलिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ लेट्स बिगिन तो दोस्तों हमें इंस्टॉल करना है हमारे सिस्टम के ऊपर विंडोज इलेवन वर्चुअली तो उसके लिए हमें वर्चुअल बॉक्स की जरूरत है और इस पेज पे मैं आ चुका हूं वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए मैंने हालांकि ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है लेकिन इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है आपके लिए विंडोज होस्ट यहां पे आपको क्लिक करना होगा इस पेज पे आने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे यहां पे नीचे दिखाई दे रहा है वर्चुअल बॉक्स इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा डॉट ई फाइल मैं इसे क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ तो उसके बाद इस वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह की सेटिंग आएगी आपको बस यहां पे नेक्स्ट करना है उसके बाद नेक्स्ट करना है यहाँ पे रजिस्टर फाइल एसोसिएशन और क्रिएट स्टार्ट मेन्यू एंट्रीज को अनचेक कर देना जो कि मैंने अनचेक कर दिए है वहां पर आप, आप देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट तो यहां पे फाइनली इंस्टॉल बटन आएगा इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिए और ये इंस्टॉल हो रहा है ये इंस्टॉल होने के बाद यहां पे आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है इसे स्टार्ट करने के लिए इसके बाद आपके सामने ओरैकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर इस तरह से ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको कुछ छोटी सी से सेटिंग्स से करनी है विंडोज को आपको वर्चुअली इंस्टॉल करना है देखिए अपने सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल हम करेंगे लेकिन वर्चुअली इंस्टॉल करेंगे इस मशीन के अंदर यानी कि विंडोज टेन तो अपना अपनी जगह पे रहेगा वो तो चलता रहेगा आपकी फाइल को कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है ये वर्चुअली इंस्टॉल होगा और दोबारा नहीं चाहिए तो आप इसे निकाल भी सकते हैं हाँ अगर आपको विंडोज इलेवन बूट करके इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कैसे इंस्टॉल करना है ऑलरेडी मैंने विंडोज टेन इंस्टॉल करना बताया आपको एक हार्डवेयर का पूरा कोर्स ही बनाया जो कि ऊपर

उसके बाद यहां पे वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज सेलेक्ट रखना है आपको और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है डायनेमिकली एलोकेट करके नेक्स्ट करना है यहाँ पे थर्टी टू जीबी स्पेस एटलीस्ट आपके हार्ड डिस्क में रहना चाहिए और वही वो एलोकेट करेगा क्रिएट यहाँ पे मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग और करनी है जैसे कि यहाँ पे सेटिंग बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए सेटिंग बटन में सबसे पहले एडवांस में जाइए और यहाँ पे आपको करना है बाई डायरेक्शनल राइट तो ये दोनों तरफ बाइ डायरेक्शनल यहाँ पे सेट कर देना है आपको और इसे ओके करना है इसके बाद सेटिंग में दोबारा क्लिक करना है आपको यहाँ पे मैं सेटिंग में दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे इस बार सेलेक्ट कर रहा हूँ सिस्टम और सिस्टम में मैं प्रोसेसर ले रहा हूँ प्रोसेसर कितने कोर देने हैं वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे फोर कोर प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ अभी जितना आपके सिस्टम में अवेलेबल है उसके हिसाब से आप कोर प्रोसेसर यूज कर सकते हैं वैसे मैं फोर कोर इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई विंडोज इलेवन है तो एटलीस्ट उसके लिए उतना कोर प्रोसेसर तो चाहिए चाहिए उसके बाद दोबारा आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा दोस्तों सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमें ये करना है कि भाई स्टोरेज में हम यहाँ पे एम सेलेक्ट करेंगे देखिए स्टोरेज में मैंने एम सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये जो डिस्क ऑप्शन दिखा जा रहा है यहां पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ दो ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें से सबसे पहला ऑप्शन मैं चूज कर चूज और क्रिएट वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये डायलॉग बॉक्स आने के बाद यहाँ पे एड बटन पे मुझे क्लिक करना होगा आयु फाइल को एड करने के लिए यहाँ पे आयु फाइल एड करने के लिए आपको पहले से आयोसो फाइल डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है आप देख सकते हैं पे मैंने उसे रखा है मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं ओपन कर रहा हूं और ओपन करने के बाद मैं इसे चूज बटन पे क्लिक करूंगा तो जैसे मैं इसे चूज करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 फाइल पे आ चुकी है और मैं अभी इसे ओके करूंगा। तो इस तरह से वर्चुअल वर्चुअल मशीन मशीन को हमें सेट करना होगा की प्रॉपर सेटिंग कैसे करनी मैंने आपको बता दी अब हम बूट के लिए के लिए रेडी हो गए वर्चुअल मशीन अंदर हम विंडोज़ करने वाले है। सारी श्टेप श्टेप आप है। उसके बाद आपको करना है आपका विंडोज 11 बूट होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं विंडोज 11 बूट होना स्टार्ट हो गया है विंडोज 11 का लोगो कुछ इस तरह से दिख रहा है और यहां पे बाकी सारी सेटिंग विंडोज इंस्टॉलेशन की जैसी रहती है लैंग्वेज वगैरह वैसे ही करनी जैसे हम पेनड्राइव से बूट करते हैं बेसिकली उस तरह ही यहां पे ये विंडोज इलेवन इंस्टॉल हो रहा है मैंने ऑलरेडी विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो बनाया या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमारा कोर्स भी इन कर सकते हैं फिलहाल तो मैं यहाँ पे आई डोंट प्रोडक्ट की पे क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा तो उसके बाद ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपको पूछा गया कि विंडोज इलेवन आपको कौन सा एडिशन इंस्टॉल करना है मैं फिलहाल विंडोज इलेवन होम वाला सिलेक्ट करता हूँ आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसके बाद मैं आई एक्सेप्ट करूंगा जैसे विंडोज इंस्टॉलेशन के स्टेप रहते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे फॉलो कर लूंगा फिर उसके बाद कस्टम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूंगा थर्टी टू जीबी मैंने जो अलोकेट किया है उसके अंदर ही हम यहाँ पे इसे नेक्स्ट करेंगे और इसी में हम हमारा विंडोज इंस्टॉल कर देंगे ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना इससे मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलिएगा साथ ही मेरे वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो आपको मेरे कोर्सेज को ज़रूर चेक करना चाहिए लर्न ये मेरी वेबसाइट का नाम है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और हमारा ऐप भी है आप ऐप पे रजिस्टर कर लो या वेबसाइट पे रजिस्टर करो दोनों एक दूसरे के साथ इंटर लिंक है लर्न मोर ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी है आपके लिए तो यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज मिलने वाले माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और साथ ही में कुछ पेड कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स या फिर बहुत सारे पेड कोर्सेज है लेकिन बहुत कम प्राइस में अगर आप इसका प्राइस कंपेयर करोगे अदर वेबसाइट के साथ या कहीं पे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन क्लासेस के साथ तो बहुत ही कम प्राइस है आप खुद जाकर चेक कीजिए वेबसाइट पे और जिन्होंने इस कोर्सेज को खरीदा है उनका रिव्यू भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और इस कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है प्लस ट्रायल वीडियोज़ भी मैंने कुछ वीडियो प्रिव्यू के लिए रखे वो भी मैंने वहाँ पर आपको देखने के लिए रखे आप चेक कर सकते हैं इस कोर्सेस में कैसे आपको पढ़ाया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड भी मिलने वाला है तो लगभग बीस से भी ज़्यादा स्टूडेंट अभी इनरॉल हो चुके हैं तो अब आपकी बारी दोस्तों ज़रूर चेक कीजिएगा हमारी वेबसाइट और ऐप को फिलहाल अपने

तो पे कंटिन्यू कर लेते हैं और इसे स्टार्ट करके फटाफट हम इसका पहला लुक देख लेते हैं और यहां पे हमारा विंडोज 11 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों फिलहाल तो मैं यहां पे दिखाऊं आपको कि ये किस तरह से लुक आ रहा है मैं इसे जरा फुल स्क्रीन करता हूं यहां पे आपको दिखाई देगा तो यहां पे विंडोज 11 की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है दोस्तों और यहां पे सबसे नई बात आपको दिखाई देगी वो है टास्क बार में टास्क बार पे ध्यान दोगे तो आपका जो विंडोज का लोगो है यानी विंडोज का बटन वो लेफ्ट साइड में हमेशा आता था पुराने वर्जन में जो कि विंडोज टेन अभी आप यूज कर रहे हैं विंडोज 7 उसके पुराने वर्जन्स में आपने देखा कि वो लेफ्ट कॉर्नर में फिक्स था लेकिन उन्होंने अभी मिडल में लेके आए तो पता नहीं उनका क्या यहाँ पे लॉजिक है लेकिन भाई मिडल में इस तरह से शायद आपको जब विंडोज 11 आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो आपको यूज़ करने में प्रॉब्लम हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कोई ऐप पिन करके रखते हो तो वो पिन ऐप यहाँ पे, पे दिखाई देंगे पूरे ऐप आप आपको आप देखना है तो ये ऑल ऐप्स पे आप क्लिक कर सकते हैं ऑल ऐप्स बटन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ऐप जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे तो ये इस तरह से विंडोज uh, 11 का कुछ लुक है तो यहाँ पे आगे मैं कुछ ऑप्शंस और भी दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप देखना चाहते कि फाइल एक्सप्लोरर कैसे डिस्प्ले होगा तो इस तरह से फाइल एक्सप्लोरर डिस्प्ले होगा कुछ कलर वगैरह चेंजेस हो चुके हैं डेस्कटॉप कैसे दिखाई देगा या सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके आप खुद चेक कर लीजिए आर एंड डी कर लीजिए क्या क्या चीजें नई आपको लगती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैंने तो आपको बता दिया कि भाई वर्चुअल मशीन के जरिए विंडोज इलेवन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो विंडोज इंस्टॉल कैसे करना है वो आपने देख लिया लेकिन याद रखिए कि ये आपने वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल किया तो आप इसे शट डाउन करना ना भूलिएगा यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे क्लिक करके आप इसे शट डाउन कर दीजिएगा क्योंकि एक सिस्टम में आपके वर्चुअल मशीन तैयार हो चुका है और उसमें ये विंडोज 11 इंस्टॉल है तो आप इस तरह से उसे बंद कर सकते हैं दोबारा स्टार्ट करना है तो आपका जो वर्चुअल मशीन है उसे आप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे पावर ऑफ विंडोज 11 दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए मेरे जितने भी चैनल है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है और मेरी वेबसाइट लर्न मोर डॉट कॉम लर्नमोर ऐप को जरा चेक कीजिएगा दोस्तों पे चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऊपर अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय बाय